जो जरूरत से ज्यादा खाएगा वो समय से पहले जाएगा। वेट लूज करना या फिर रिड्यूस करना एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जनाब जितने मुंह उतनी ही बातें होती हैं। लोग एक से बढ़कर एक आपको टिप्स या डाइट प्लान बताते हैं जिसके हिसाब से वेट रिड्यूस करना मानो आसान सा बच्चों का खेल लगता है, पर हकीकत तो हम जानते हैं कि ये असल में इतना आसान काम नहीं है। वजन कम करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी डाइट प्लान या फिर इस तरह की बातें नहीं करने वाला। आज आपको कुछ ऐसे मजेदार टिप्स बताने वाला हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपने बढ़ते वजन पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अपने वजन को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टिप्स आजमाए हैं, जरा इन्हें भी आजमा कर देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन एक्टिव जरूर कर लें ताकि हमारी नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी आसान और मजेदार टिप्स के साथ जिसकी वजह से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे पहले, 3 टाइम खाने की बजाय आप 5 से 6 बार खाएं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। साउथ अफ्रीका में एक रिसर्च में पाया गया है कि यदि व्यक्ति सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाए तो वो बाकी 3 समय खाने वाले लोगों की अपेक्षा 30% यानी कि 30% कम कैलोरीज कंज्यूम करता है। और अगर आप उतनी कैलोरीज भी ले रहे हैं जितनी 3 बार खाने वाला इंसान लेता है, तब भी आपके शरीर को उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएं और दिन में 5 से 6 बार में खाएं। टिप नंबर 2, नीले रंग का प्रयोग ज्यादा करें। जी हाँ, ये भी मजाक नहीं है। नीला रंग भूख को कम करता है। यही वजह है कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो रेड, येलो, ऑरेंज इस तरह के कलर्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं जिससे इंसान की भूख बढ़ती है। अगर आप अपने खाने में नीले रंग का प्रयोग करेंगे, जैसे कि नीले रंग की प्लेट या फिर खाने की टेबल पर नीला कपड़ा बिछा देंगे, तो फिर इस वजह से आपको भूख कम लगेगी और आप कम कैलोरीज अपने शरीर को देंगे जिससे आपका वजन निश्चित रूप से कंट्रोल होना शुरू होगा। हाँ, किसी भी एक टिप को अपनाकर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको इन सारी टिप्स में से मैक्सिमम जितना हो सकता है उतनी टिप्स को अपनाना जरूर पड़ेगा। अपने पुराने कपड़ों को दान कर दें। जी हाँ, जब आप अपना सही वेट पा चुके हैं, जब आपको लगने लगे कि अब आपका वेट आपके हिसाब से सही है, तो अपने पुराने ढीले कपड़ों को दान में दे दें जिससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको दान देने की खुशी महसूस होगी और दूसरा, आपके दिमाग में ये बात भी रहेगी कि अगर आप फिर से मोटे हुए तो वापस इतने ही कपड़े आपको फिर से खरीदने पड़ेंगे। अब ये आपका वेट तो कम नहीं करेगा, लेकिन आपको वेट मेंटेन रखने के लिए एनकरेज जरूर करता रहेगा। टिप नंबर 4, जहाँ पर आप खाना खाते हैं वहाँ सामने शीशा लगा लें। एक स्टडी में पाया गया है कि शीशे के सामने बैठकर खाने वाले लोग कम खाते हैं। शायद खुद को आउट ऑफ शेप देखकर उन्हें ये याद आता रहता है कि अब उन्हें वेट कम करने की जरूरत है। टिप नंबर 5, सब्र रखें। जी हाँ, पेशेंस सबसे जरूरी है। अगर आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, तो ये 1 या 2 दिन या फिर 1-2 महीने का नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में उस वजन को बढ़ने में सालों का समय लगा है, तो वो कुछ 1 या 2 दिन में तो कम हो नहीं जाएगा। इसलिए आप सब्र रखें और अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स करते रहें। धीरे धीरे आपको इसमें अंतर जरूर नजर आएगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। टिप नंबर 6, पेडोमीटर का प्रयोग करें। अब आपको इसके लिए कोई अलग से डिवाइस खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन तो है ना। अपने स्मार्टफोन में कोई भी इस तरीके की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें जो आपको आपके स्टेप्स काउंट करके बताता है। अब आपको अपना डेली का ये रूटीन बनाना है कि आपको हर रोज 1000 स्टेप्स एक्स्ट्रा चलना है। जी हाँ, अगर आप 1000 स्टेप्स अपनी दिनचर्या में बढ़ा लें और इसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 2000-3000 एक्स्ट्रा स्टेप्स तक ले जाएं, तो फिर आप अपने वजन को तो कंट्रोल कर ही लेंगे। टिप नंबर 7, नाश्ते के बाद पानी को अपना मेन ड्रिंक बनाएं। नाश्ते के बाद जैसे आप ऑरेंज जूस, चाय, दूध कुछ भी लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करें।
कभी भी कोल्ड ड्रिंक, दिन में जूस, चाय, कॉफी, इस तरह की सभी चीजों से परहेज रखें। और जब भी आपको कुछ पीने की तलब हो तो पानी पिएं, जिसकी वजह से आप कम से कम दिन में 200 से 250 कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे और आपका वेट कंट्रोल शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 8, खुद को विजुअलाइज करें। जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसे ही खुद के बारे में सोचिए। यकीन मानिए, अगर आपको उस पॉजिटिव वे में विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे तो ये आपको एनकरेज करेगा आपके वेट को कम करने में। और आप चाहें तो आप अपने कमरे की दीवार या कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ऐसी ही फोटोज लगा सकते हैं। जैसा कि आपने जिम में देखा होगा कि वहां पर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की फोटो लगाई जाती हैं, वो इसीलिए ताकि आपका मनोवैज्ञानिक लेवल उस तरह की बॉडी शेप को पाने पर लगा रहे। टिप नंबर 9, खाने के लिए छोटी प्लेट्स का और कटोरियों का प्रयोग करें। रिसर्च से ये पता चला है कि चाहे आपको कितनी भी ज्यादा भूख हो, यदि आपके सामने कम खाना होगा यानी कि छोटी प्लेट में होगा, तो आप उतने ही खाने में अपनी संतुष्टि कर लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है ना कि आप एक छोटी थाली में अपना खाना खाएं, जिसकी वजह से आप कम कैलोरीज को इंटेक करेंगे। टिप नंबर 10, वाटर रिच फूड ज्यादा खाएं। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि वाटर रिच फूड जैसे कि टमाटर, लौकी, खीरा, तरबूज, इस तरह के खाने अगर आप अपने दिनचर्या में ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आप कम कैलोरीज को इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी टिप्स? अगर इन टिप्स में आपको मजा आया और इनको इस्तेमाल करके आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस तरह की आपको अगर और भी टिप्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके लिए इसी वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे।